हरि ओम बच्चों, बच्चों जीवन में दैवी गुण जितने अधिक विकसित होते हैं उतना ही उस आत्म परमात्म देव का ज्ञान, शांति और आनंद चमकता है। निर्भयता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, आचार्य उपासना, सहिष्णुता आदि ये सब दैवी गुण हैं। वहीं जीवन में व्यक्ति के चरित्र को पतन की ओर ले जाने वाली भी कई प्रवृत्तियां हैं, जिनमें से एक है अहंकार। अहंकार अथवा घमंड को हम कोई अन्य नाम देना चाहें तो इसे बीमारी अथवा दीमक की उपमा दे सकते हैं। जिस तरह बीमारी के रोगाणु दिनों दिन शरीर को क्षीण कर एक दिन समाप्त कर देते हैं, अहंकार भी उसी अनुरूप व्यक्ति को ऐसे नशे में मदहोश कर देता है। वो व्यक्ति को न केवल सच्चाई से परे एक कल्पना लोक में ले जाता है, बल्कि जीवन में विकट स्थितियों को भी जन्म दे देता है। कितना भी अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान हो, यदि वो अहंकारी है तो उसके समस्त गुण उस तरह धुंधले हो जाते हैं जिस तरह धधकते अंगारों पर जमी राख की परत अग्नि को धुंधला कर जाती है। परंतु एक विवेकशील व्यक्ति चाहे तो अपने अहंकार को मिटा सकता है, उस पर नियंत्रण पा सकता है। इससे पूर्व उसे ये स्वीकार करना होगा कि वो दंभ में रहता है। जब तक गलती स्वीकार नहीं की जाए, उसमें सुधार की गुंजाइश न के बराबर होती है। अतः खुले हृदय से अपने अहंभाव को स्वीकार करिए तथा भविष्य में उसके दोहराने से बचने का प्रयास करें तो निश्चय ही हम अहंकार रूपी रावण से बच सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, क्षमा परमो धर्मः। अतः हमें उस इंसान से क्षमा मांग लेनी चाहिए जिसको हमारे अहम भाव के कारण पीड़ा पहुंची हो। बच्चों, हमारे आज के बाल संस्कार का मुख्य केंद्र बिंदु व विषय भी यही है, अहंकार का विसर्जन, स्व का सर्जन, जो आपको अहम भाव का त्याग कर समभाव और सद्भाव से जीवन जीने का महत्व जानने में बहुत मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। गुरु प्रार्थना। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब गुरु ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्मस्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार करते हुए हम गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् सखात्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमकार गुंजन। मानसिक रोगों पर ओमकार गुंजन करने से चमत्कारिक लाभ होता है। कुछ ही दिन ओमकार जप करने मात्र से सभी प्रकार के मानसिक रोग व तनाव जैसी स्थितियां खत्म हो जाती हैं। चलिए करते हैं ओमकार गुंजन। Oh
मंत्रोच्चारण। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। तो सभी बच्चे पहले भ्रूमध्य में तिलक अथवा हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर हाथ जोड़कर वैदिक मंत्र बोलेंगे, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। त्राटक। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है। जो जितना अधिक एकाग्र होता है वो उतना ही दूसरों की अपेक्षा हर क्षेत्र में अधिक सफल होता है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? जी हाँ, त्राटक। जब तक मेरी सांसें चल
प्राणायाम। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास प्राणायाम लेकर आए हैं, जिसका नाम है तृप्ति प्राणायाम। लाभ: चिंता, तनाव व थकान महसूस होने पर इसे 20-25 बार करने से ये सभी दूर होकर तृप्ति का अनुभव होता है। चिंता तनाव न होने पर भी इसे किया जा सकता है। विधि: सीधे बैठ जाएं, श्वास भीतर भरें और भावना करें कि हम निश्चिंतता, आनंद, शांति भर रहे हैं। अब मुंह से फूंक मारते हुए श्वास बाहर छोड़ें और भावना करें कि हम चिंता, तनाव, हताशा, निराशा, बुरी आदतों को बाहर निकाल रहे हैं। श्वास लेते व छोड़ते समय गुरु मंत्र या भगवन नाम का मानसिक जप करें तो ये प्राणायाम विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। श्लोक: अब हम संस्कृत श्लोक का उच्चारण व अर्थ सुनेंगे। विद्या शौर्यम च दाक्ष्यम च बलम धैर्यम च पंचमम मित्राणि सहजान्याहुर् वर्तयन्ति हतैर्बुधाः। अर्थात विद्या, शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, वैसे ये पांच मित्र रहते तो सभी विद्यार्थियों के साथ हैं, लेकिन अक्ल वाले विद्यार्थी ही इनसे मित्रता करते हैं। लल्लू पंजू विद्यार्थी इनसे लाभ नहीं उठा पाते। जो बुद्धिमान हैं, वे इनके द्वारा इस जगत में सारे कार्य करते हैं। आओ सुने कहानी। चलिए बच्चों, अब आपको कहानी सुनाते हैं, जिसका आप सभी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारी आज की कहानी है अनोखी दक्षिणा। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। संत महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ एवं रहस्यमय होते हैं। उन्हें समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। कहानी प्रसंग: संत ज्ञानेश्वर जी की कीर्ति सुनकर 1400 साल के चांगदेव के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। एक दिन चांगदेव अपने अनेक शिष्यों को लेकर एक बड़े शेर पर सवार हो हाथ में सांप का चाबुक लिए आलंदी पहुंचे। उस समय संत ज्ञानेश्वर जी अपने भाई बहन के साथ एक चबूतरे पर बैठे थे। चांगदेव की शेर की सवारी का वैसा ही उत्तर देने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने चबूतरे को ही चलने की आज्ञा दे दी। चबूतरे को चलता देखकर 1400 साल के चांगदेव जी की सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। शेर की सवारी से नीचे उतरकर वे 21 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर पड़े एवं उनसे आत्मज्ञान देने की प्रार्थना करने लगे। संत ज्ञानेश्वर जी, आपके इन शिष्यों में से यदि कोई एक भी अपनी बलि देने को तैयार हो तो आपको आत्मज्ञान मिल सकता है। बलि देने की बात सुनकर सब शिष्य घबरा गए एवं एक एक करके वहां से रवाना हो गए। वे शिष्य केवल चांगदेव जी की चाटुकारिता में ही लगे थे। जब तक अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती रही, तब तक चांगदेव जी की जी हजूरी करते रहे, और बलि देने की बात आई तब सब भाग खड़े हुए कि कहीं हमारा नंबर न लग जाए। इससे चांगदेव जी का गुरुत्व का अहंकार भी चूर हो गया और वे बोले, मैं ही आपका शिष्य हूं और बलि देने को तैयार हूं। संत ज्ञानेश्वर जी, मुझे वास्तव में किसी का बाहर का सिर नहीं चाहिए, लेकिन ये जो अहंकार है कि मैं बड़ा योगी हूं, मेरे इतने शिष्य हैं, ये अहंकार ही आत्मविद्या पाने में अड़चन पैदा करता है। मुझे तो यही अहंकार रूपी सिर चाहिए। 1400 वर्ष की आयु भी तुम्हारी नहीं, शरीर की है, और ये शरीर तो एक दिन मरने वाला ही है। आश्रम, शिष्य आदि सब छूटने वाली चीजें हैं, उन्हें मैं मेरा मानकर कब तक आसक्ति करते रहोगे? ये सब तुम्हारा नहीं है, लेकिन सब जिसका है वो परमात्मा तुम्हारा है।
तुम उसके हो, केवल ये ज्ञान ही पाने योग्य है। तो देखा बच्चों आपने, कितने करुणा रूप होते हैं संत ज्ञानेश्वर स्वरूप सदगुरु। सदगुरु न जाने कैसी कैसी युक्ति अपनाते हैं ताकि शिष्य का अहम दूर हो जाए एवं वो अपने आत्म स्वरूप में जाग जाए। प्रणाम है ऐसे श्री ज्ञानेश्वर स्वरूप सदगुरु के श्री चरणों में। कहानी से संबंधित प्रश्न आपसे बस कुछ ही देर में पूछे जाएंगे। उन्नति की उड़ान। वे विद्यार्थी सचमुच में महान बन जाएंगे जो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम के गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं और मन में दया, क्षमा, उदारता होगी तो वे गजब का विकास कर लेंगे। साखी संग्रह। अब समय है कुछ साखियां सीखने का। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुं और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। नारायण यह जगत में यह दो वस्तु सार, सबसे मीठो बोल बो कर बो पर उपकार। कीर्तन। चलो बच्चों, अब शक्ति और तेज प्रदान करने वाला भगवन नाम कीर्तन करते हैं। रोदना नहीं, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। आत्मबल, आत्मशक्ति, साहस, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। तुम्हारी रग रग में भारत के सामर्थ्य, ऋषियों का ओज और बल छुपा है, उसको जागृत करो। शोषितों की रक्षा करो, गरीबों के बेली हो, पीड़ितों की आहें सुनो, पीड़ितों का पक्ष लो, लाचारों की मदद करो। हरि ओम ओम ओम। आततायों को सबक दो, दुष्टों का दमन करो, सज्जनों को सहयोग दो। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम ओम। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। तू भगवान की संतान है, तेरा कुल परब्रह्म का कुल है, तू अमर आत्मा है, ओजस्वी तेजस्वी जीवन जी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अपनी आवश्यकताएं कम कर और अपनी आत्मा का विकास कर। गतिविधि। अब समय आता है गतिविधि का। आकाश के तीन मित्र थे। पहले मित्र से उसकी बहुत घनिष्ठता थी, दूसरे मित्र से अच्छा संबंध था, परंतु तीसरे मित्र की वो उपेक्षा करता है। एक बार आकाश पर मुसीबत आई तो पहले मित्र ने तो साफ ना बोल दिया,
दूसरे मित्र ने भी पूरा साथ नहीं दिया। आखिर तीसरे मित्र ने ही उसे सहयोग किया। क्या आप बता सकते हैं वे तीन कौन थे? सोचिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए। जी हाँ, उनमें पहला मित्र था संपत्ति, जो अंत समय कोई काम नहीं आता। दूसरा मित्र था रिश्तेदार, वो भी शमशान तक साथ निभाते हैं। तीसरा मित्र था सत्कर्म, सेवा, जो मरने के बाद भी हमारा साथ निभाता है। हमारे द्वारा जो भी सत्कर्म और सेवा होती है, उससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुखदाई हो जाते हैं। वीडियो सत्संग। अब हम सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा सत्संग श्रवण करेंगे, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की गुरु कृपा का ज्वलंत उदाहरण। और बच्चों, आपको याद है ना, जीभ तालू में लगाकर ही सत्संग सुनना है। सत्संग संबंधित प्रश्न आपसे सत्र के अंत में पूछे जाएंगे। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना। हे गुरु कृपा, तू सूखे हृदय को हरा भरा करने वाले, सूखे हृदय को सुख शांति से सींचने वाली गुरु कृपा, तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना। हे गुरु कृपा, असाधक में तू साधना भरती है, अभक्त में तू भक्ति भरती है, अज्ञानी में तू ज्ञान भरती है, अशांत में तू शांति भरती है, मूर्ख में तू विद्वता भरती है, असहाय में तू परम सहायता लेकर विराजती है। हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय का भाव हो चाहे न हो, मेरे हृदय का प्रेम कम भी हो, फिर भी मेरे हृदय में आकर निवास करना। और हे गुरु कृपा, मैं तेरे चरणों में प्रीति करूं, ऐसा मुझे बना देना। मैं सतगुरु का सत शिष्य बनूं और मेरा सब कुछ मेरे सतगुरु की सेवा में लग जाए। मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का बाष्पीभूत जो जल है, वो मेरे गुरुदेव के बगीचे में बरसे, मेरी सेवा हो जाए, मेरी खाक गुरु के बगीचे में खाद के काम आ जाए, मेरा चमड़ा अगर कहीं उतरे तो गुरुजी के जोड़े जूते बन जाए। हे गुरु कृपा, जीते जी तो मैं गुरुदेव के काम आऊं, लेकिन मेरा शब भी मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, मेरा मन मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, मेरी मति मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, मेरी गति मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, फिर मैं नहीं बचूंगा, गुरु तत्व ही रह जाएगा, मेरा गुरु स्वरूप ही प्रकट हो जाएगा। हे गुरु कृपा, तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना। हे ईश कृपा, मैं जन्मों से भटका हुआ, युगों से अटका हुआ, हजारों बार ऐसे ही मर गया, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो, इस भक्ति के द्वार पर, ध्यान के द्वार पर, गुरु कृपा के द्वार पर, अंतरात्मा के द्वार पर मेरे चित्त को गुजारा करने दो, मेरा मन वहीं टिका रहे, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ये
ये संसार सागर बड़ा गंभीर है। बड़े बड़े दिशमार खान अपनी चतुराई से तरना चाहते थे, पत्थर बांधकर अहंकार का वे डूब गए पता ही नहीं चला। तो फूटी नाव लेकर कोई दरिया पार करने चले, संयम साधना और गुरु भक्ति के बिना का पुरुषार्थ फूटी नाव डूब गई पता ही नहीं चला। हे गुरु कृपा रूपी नाव, ये उदधि मुझे तरने दो, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भाव सागर से तरने दो। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, गुरु कृपा तेरे हाथ, गुरुदेव तेरे हाथ हो। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। गुरुदेव तुम्हारी डांट भी करुणा से, तुम्हारा फटकार भी करुणा से, तुम्हारा प्रेम भी करुणा। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, हे गुरु कृपा तू मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना, कहीं मत जाना, कभी मत जाना। ज्ञान का चुटकुला, क्यों ना आप थोड़ी हंसी ठिठोली कर ली जाए, तो उसके लिए सुनाते हैं आपको एक ज्ञान से भरा चुटकुला। चिंटू, एक छिपकली ने कविता सुनाई तो बाकी दो छिपकली दीवार से गिर गई। पूछो क्यों? पूछो पूछो। रोहन, क्यों? चिंटू, क्योंकि उन्होंने उसके लिए ताली बजाई थी। सीख, देखा बच्चों कैसी असंभव सी एवं बेवकूफी भरी बातें चिंटू ने कही। इसके विपरीत हमें अपनी समय शक्ति व्यर्थ की बातें करने एवं सुनने में खर्च नहीं करनी चाहिए, वरन संत महापुरुषों की जीवन लीला कथा आदि का श्रवण एवं चर्चा कर अपने साथ साथ अपने संपर्क में आने वालों की भी उन्नति हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आओ करें संस्कृत के श्लोकों का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोक बोलेंगे। आपको ये श्लोक अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो निरर्थकः। अर्थात पुस्तक यानी सदग्रंथ, सत साहित्य आदि से पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में नहीं उतारा तो उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ। अर्थात उस पाठ को जीवन में नहीं उतारा तो वो जीवन में निरर्थक है। विद्या वर्धते वर्चः, विद्यया वर्धते वपुः, विद्यया वर्धते वीर्यम्, विद्यया किम न वर्धते। अर्थात विद्या यानी आत्मविद्या से तेज बढ़ता है, विद्या से शरीर स्वास्थ्य बढ़ता है, विद्या से वीर्य यानी पराक्रम बढ़ता है, विद्या से क्या नहीं बढ़ता। पहेली, अब आ गया पहेली का समय। आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे पहेली सुलझाने के लिए। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। नन्ही उम्र में पा गुरु आशीष, जो हुए जीवन मुक्त, लिखा ग्रंथ ज्ञानेश्वरी गीता, जो कुंडलिनी योग से युक्त, देख चलते चबूतरे को चांगदेव हुए अनुरक्त, उम्र 21 में ली समाधि, ये कौन ऐसे विरक्त। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा, बच्चों आज हम जानेंगे मस्तिष्क शक्तिवर्धक एक बहुत ही असरदार प्रयोग। 6 से 10 काली मिर्च,
दो बादाम, दो छोटी इलायची, एक गुलाब का फूल व आधा चम्मच खसखस रात को एक कुल्लड़ यानी मिट्टी के छोटे से बर्तन में पानी में भिगोकर रखें। सुबह बादाम के छिलके उतारकर सब मिश्रण को पीस ले व गर्म दूध के साथ मिश्री मिलाकर पिएं। दो घंटे तक कुछ न खाएं। इससे मस्तिष्क की थकान दूर होकर तरावट आती है एवं शक्ति बढ़ती है। ये प्रयोग 2-3 हफ्ते नियमित करें। खेल। चलिए बच्चों, अब एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है भगवन नाम। इसके लिए कुछ कागज की पर्चियां तैयार की गई हैं एवं उन पर अलग अलग भगवानों के नाम लिखे हुए हैं। सभी बच्चे दो समूह में बंट जाएंगे। सबसे पहले समूह के किसी एक बच्चे को सामने बुलाकर कोई भी एक पर्ची उठाने को कहें। उस पर्ची पर जिन भी भगवान का नाम है उसे बिना बोले केवल क्रिया करके अपने ग्रुप को समझाना है। यदि उस ग्रुप के कोई भी बच्चे उन भगवान का नाम पहचान गए तो उनको उन भगवान का मंत्र भी बताना है। भगवान और मंत्र दोनों सही बताने पर उस समूह को 10 अंक मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरा समूह भी ये क्रियाकलाप करेगा। दोनों समूहों को बारी बारी से 10 या 15 पर्ची उठाने का अवसर मिलेगा। उसमें से जिनको ज्यादा अंक प्राप्त होंगे वो समूह विजेता होगा। गृह कार्य। अब समय है आपके गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का। जैसे ज्ञानेश्वर जी अपनी बहन को सारे कामों में मदद करते थे, उसी तरह आपको अपनी माँ पिताजी और भाई बहन को उनके कामों में मदद करनी है। आपने क्या मदद की वो अपनी बाल संस्कार की नोटबुक में लिख कर लाएं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, चांगदेव जी की शेर की सवारी का जवाब देने के लिए संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया। दूसरा प्रश्न, चांगदेव जी ज्ञानेश्वर जी से किसके लिए प्रार्थना करने लगे। तीसरा प्रश्न, आत्मविद्या पाने में कौन अड़चन करता है। सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, संत ज्ञानेश्वर जी के अनुसार संसार रूपी भवसागर से कैसे तरा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, मरने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी अपने मृतक शरीर को किस तरह गुरु सेवा में लगाने की इच्छा करते हैं। तीसरा प्रश्न, साधक के मन में गुरु कृपा किस तरह कार्य करती है। सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती। भक्त को है ज्ञान देके तारती। भक्त को है ज्ञान देके तारती। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे बिगड़ी को बनाने वाले। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे बिगड़ी को बनाने वाले। दिव्य दृष्टि इनकी हम सबको है निखारती निखारती। भक्त को है ज्ञान देके तारती। भक्त को है ज्ञान देके तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती। भक्त को है ज्ञान देके तारती।
हुए पाप हरे, संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवजोत जगाने वाले। वे पाप हरे, संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवजोत जगाने वाले। है सुखकारिणी, है सुखहारिणी, मेरी बापू जी की आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। ये सेवा हमको जन्म मरण से तारती, तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। गुरु वचन है, गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। गुरु वचन है, गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। उनकी पूजा सारे क्लेशों को निवारती, निवारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान की है आरती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती, भक्त को है ज्ञान दे के तारती। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। लोगों ने यश गान किया, लख लख किया बखान, दस से किंद कहाँ का चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम, सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। हरिओम 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 हरिओम।
अगले सप्ताह मिलेंगे फिर से। होइए न बेकरार, कीजिए थोड़ा इंतजार, लाने वाले हैं हम आपके लिए गुरु ज्ञान का भंडार। हरिओम।